स्वागत है आपका रायपुर बस्तर रोड ट्रिप के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग रुके हैं कोंडा गांव में। अभी हम लोग जाने वाले हैं झिटकू मिटकी, जो कि फेमस है टेराकोटा आर्ट फॉर्म के लिए। तो अभी हम लोग आए हुए हैं झिटकू मिटकी। ये एक टेराकोटा वर्कशॉप है जहाँ पे अशोक चक्रवर्ती जी मिट्टी से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे मिट्टी के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक हाथी, और हाथी उनकी स्पेशलिटी है। सबसे छोटा में सादा दिया बनता है, ये वाला। हाँ, ये भी, इसको भी आप कलर करेंगे? ये सब कलर भी चिपकेगा साइड में, नारियल दिया बनेगा, डिजाइन होगा। ये सब दिवाली के लिए? दिवाली के लिए। और सबसे बड़ा चीज? सबसे बड़ा झारती है। मिट्टी से यूजुअली चीज़ें बनाते हैं, लाइक यहाँ पे मटके बने हुए हैं, ये छोटा सा हाथी है, हाथी बनाना इनकी स्पेशलिटी है, और इस तरफ रखा हुआ है कुछ बड़े साइज का हाथी, और इधर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, ये बड़े साइज के हाथी। तो हम लोग आए हैं अब लोहा शिल्प कला देखने, जिसे बेल मेटल आर्ट भी बोला जाता है, जो बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में भी और बाहर भी। इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आपने ये आर्ट चौक में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, स्कूल्स में, बहुत जगह ये देखा होगा। ये काले कलर का होता है और इसका एक बहुत फेमस आर्ट है डोकरा आर्ट, और इसके लिए आए हैं हम लोग भागेलाल सोडी जी के यहाँ, जो कोंडा गांव में इस आर्ट फॉर्म को सालों से बना रहे हैं। इसको आप लोग कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे लोहा लाते हैं? और ये तो कच्ची लोहा है, मार्केट से लेके आते हैं। मार्केट से लेके आते हैं, जैसे आदमी एक सिंगल चीज से, मतलब सिंगल पट्टी से बनता है ये। ऐसी कच्ची लोहा का ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कटिंग कर लेते हैं, मतलब साइज जैसा बनाना है उस हिसाब से काट लेते हैं। काटने में तो बहुत मेहनत लगता है। हाथ से काटने में हमको परेशानी नहीं रहता, कि हम अपने हिसाब से स्वाका दे सकते काट के, फिर उसको जैसा ठोक ठाक के मोटा करते हुए। अच्छा, जितना मोटा बनाना है उतना मोटा मोटा चौड़ा रखते अच्छा। फिर इसको कलर कैसे करते हैं? पूरा कलर तो ब्लैक से करते हैं, मैट का है, मैट ब्लैक। अच्छा, तो वो मार्केट से? हाँ, मार्केट से ले लेते हैं। हाँ, ये हम मेरे पापा से सीखा था काम। अच्छा। हाँ, मेरे पापा ने दादाजी पहले का दादाजी तो ये काम नहीं करते, तो अपना एग्रीकल्चर वाला टूल्स वगैरह काम करते, तो धीरे 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 तो बदला होते थे, पापा ने सीखे तो पापा से हम सीखे। तो इस एरिया में आप ही बस बनाते हैं कि और भी यहाँ? और भी है यहाँ पे, 14-15 परिवार यहाँ पे। तो ऐसे कैसे, मतलब एक साथ सब लोग कैसे, एक ही जगह कोटा है, गाँव के लोग क्यों सीखते हैं? ये तो हमारे लोहार लोग ही करते थे ना इस काम को। अच्छा। लोहे का काम अदरवाइज कोई नहीं करता था, तो लोहे का काम करते करते फिर ठोकरे पिटने का काम हमारे लोहार ही करते थे, तो फिर फैमिली है यहाँ पे जुड़ा हुआ। तो ये आदिवासी मतलब ऐसा सोचते कैसे हैं फिर, ऐसे कुछ और भी बहुत सारे शेप देखा हूँ मैं, बुड्ढे बुड्ढे लोग का बनाते हैं। हाँ, वो तो फिर हम ट्राइबल से जुड़े हुए हैं ना यहाँ के, संस्कृति और ये सारी चीज़ों से, फिर हम उसी को लेकर बनाते हैं। आज का सफ़र बस कोंडा गांव तक, कल हम लोग बस्तर पहुंच जाएंगे यानी कि जगदलपुर,
फिर एक्सप्लोर करेंगे बस्तर ट्राइबल मार्केट को। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।